हेलो एवरीवन, हैशटैग ईज कोरोना फोबिया को आज मैं लाइव ले रही हूँ। मोस्टली मैं फेसबुक पर रिटर्न पोस्ट डालती हूँ स्टैटिस्टिक्स को लेके, बट लाइव इसलिए ले रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग क्वेश्चंस करते हैं कि ये आंकड़े आप कहाँ से लाती हैं। तो मैं ये एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से केस फैटलिटी रेट कैलकुलेट करते हैं, कैसे केस रिकवरी रेट कैलकुलेट करते हैं और इन्फेक्शन फैटलिटी रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन्फेक्शन फैटलिटी रेट केस फैटलिटी रेट से कैसे अलग होती है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बता देना चाहती हूँ, ना तो कल और ना ही आज कोरोना का एक भी केस आया है। अब आप कहेंगे ये कैसे, क्योंकि न्यूज़ में तो दिखा रहे हैं कल भी केस और आज भी, आज के लिए भी कल आपको दिखाएंगे कि जो है 58,000 केसेस आए हैं। तो लेकिन मैं कह रही हूँ कि ना कल कोई केस आया है और ना ही आज कोई केस आया है, क्योंकि न्यूज़ में सही तरीके से आंकड़े आपको दिखाते नहीं हैं, कैसे आंकड़े पढ़ने चाहिए वो आपको दिखाया नहीं जाता है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू कि ना कल कोई केस आया है और ना ही आज कोई केस आया है। सो मैंने covid19india.org साइट खोली है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। मैं पहले आज का आंकड़ा आपको दिखाऊँगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कंफर्म केसेस आज की डेट में 54,268, लेकिन ये कंफर्म केसेस हैं। हमें देखना है ये नहीं, हमें देखना है एक्टिव केसेस, मतलब आज की डेट में कितनी बढ़ोतरी हुई। आज कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, आज कमी हुई है 4,740। और आप देख सकते हैं रिकवरी का आंकड़ा आप देख सकते हैं ज़्यादा है आज कन्फर्म केसेस जितने आए हैं उससे। तो इसलिए रिकवरी प्लस डेथ्स मिलाकर ये एक्टिव केसेस आज कम हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो WHO के चीफ का कहना है कि पैंडेमिक वर्स से वर्स होती जा रही है। क्या पैंडेमिक वर्स से वर्स हो रही है? नहीं। रिकवरी का ग्राफ देखिए आप, ये स्टीप राइज कर रहा है। और जबकि आप देख सकते हैं कि ये जो एक्टिव पेशेंट्स का ग्राफ है दैट इज स्टेबल, और जो डेथ्स का ग्राफ है आप ये भी देखिए, दिस इज़ टू स्टेबल। और अब मैं आपको कल दिखाती हूँ, कल भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये देखिए आप 16 अगस्त को भी आप देखें तो 278 केसेस कम हुए हैं। और आप देख लीजिए रिकवरी जो है 16 अगस्त को 57,404, और जो कन्फर्म केसेस थे 16 अगस्त को डेट वॉज, वेट अ वाइल, सोलह अगस्त का लग नहीं पा रहा है, बट कंफर्म केसेस 16 अगस्त को कम थे रिकवरी के कंपैरिजन में। नाउ अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केस फैटलिटी रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और आज केस फैटलिटी रेट 1.92% है। और कंपैरिजन के लिए मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि शुरुआत में जो केस फैटलिटी रेट थी जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो 3.5% थी। उससे पहले मैं आपको केस फैटलिटी रेट और इन्फेक्शन फैटलिटी रेट में अंतर बता देना चाहती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये केस फैटलिटी रेट होती है टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंफर्म केसेस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये केस फैटलिटी रेट जो है इन्फेक्शन फैटलिटी रेट नहीं होती है। इन्फेक्शन कोरोना वायरस की फैटलिटी रेट ये केस फैटलिटी रेट नहीं है, क्योंकि केस फैटलिटी रेट डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ कंफर्म केसेस, मतलब कि दिस डिपेंड्स अपॉन कि आपने कितना टेस्ट किया है। जबकि जो रियल कोरोना वायरस की इन्फेक्शन फैटलिटी रेट है वो होगी टोटल नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्संस। टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्संस कैसे पता चलेंगे? टेस्ट तो पूरे 140 करोड़ के करीब हमारी आबादी है, उसके तो टेस्ट हुआ नहीं है। तो जितनों का टेस्ट हुआ है वो जो है कंफर्म केसेस हैं, वो ये केस फैटलिटी रेट का हमें पता चलता है। और जैसे जैसे कंफर्म केसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे केस फैटलिटी रेट कम होगी, बिकॉज दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंफर्म केसेस। तो इसलिए बढ़ते हुए केसों से घबराना नहीं है। अतुल जोशी जी कह रहे हैं मेरी वॉइस डिस्टर्ब्ड है, आई डोंट नो, मैंने वैसे माइक यूज़ किया है, इज़ इट ओके नाउ? आई एम जस्ट सेटिंग माई माइक नाउ, इज़ इट ओके? माई वॉइस इज़ ओके नाउ? ओके,
सो दिस इज़ वॉट आई टोल्ड यू अबाउट द केस फैटलिटी रेट एंड इन्फेक्शन फैटलिटी रेट के बीच में डिफरेंस. दूसरा, अब मैं आपको बताती हूँ जो केस फैटलिटी रेट है वो किस तरीके से कम हुई है. मैंने जो भी मैं हैशटैग इस कोरोना फोबिया में अपने फेसबुक में डालती रही हूँ, मैं आपको उसी से जो है दिखाना चाहती हूँ कंपेरिजन्स. हम चलते हैं शुरुआत से. तो आप यहाँ शुरुआत से देखिएगा, ये ऊपर वाला थोड़ा ये वाइस वर्सा हो गया. तो मैं 11/5 से स्टार्ट करती हूँ. 23/4 में जो केस फैटलिटी रेट है वो 3.1% है और केस रिकवरी रेट 21.7%. आगे का ऑर्डर सही है. 11 मई को आप देख सकते हैं कि केस रिकवरी रेट 31.8% था और केस फैटलिटी रेट 3.2% थी. 3 जून को 47.9% केस रिकवरी रेट बढ़ गया और केस फैटलिटी रेट 2.8%. 4 जुलाई को 60.7% और केस फैटलिटी रेट और कम हो गई 2.8%. तो ये सारा का सारा ग्राफ मैंने बना रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं. लेटेस्ट आप 4 अगस्त का देखिए, केस रिकवरी रेट बढ़ गया 67.2% और केस फैटलिटी रेट मात्र 2% रह गई. अब मैं आपको दिखाती हूँ फिलहाल इन हफ्तों का. 25 जुलाई को आप देख सकते हैं 64%, 2.31% हमने, और 30 जुलाई को 64.8% रिकवरी रेट, 2.18% केस फैटलिटी रेट, और आप आ जाइए 4 अगस्त को 67.2% केस रिकवरी रेट और 2% जो है केस फैटलिटी रेट. 11 अगस्त को 70.3% और केस फैटलिटी रेट घट के 1.98% रह गई है. और मैं और बता दूं आज केस फैटलिटी रेट कितनी है. आज केस फैटलिटी रेट 1.92% है और केस रिकवरी रेट जो 11 अगस्त को 70.3% थी आज 73% है. तो आप खुद ही देखिए इस हफ्ते में केस रिकवरी रेट हर दो दो दिन में एक एक पॉइंट बढ़ रही है और केस फैटलिटी रेट घट रही है. तो जैसे जैसे केसेस का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे केस फैटलिटी रेट कम होगी. और ये केसेस की फैटलिटी रेट है, मतलब जितने केसेस आ रहे हैं उसमें से कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग रिकवर हो रहे हैं. ये इन्फेक्शन की फैटलिटी रेट नहीं है. इन्फेक्शन की फैटलिटी रेट तभी पता चलेगी जब पूरी जनता का टेस्ट हो जाएगा और ना जाने कितने लोग इन्फेक्टेड हैं. तभी आपने देखा होगा कि 2 सीरोलॉजिकल सर्वेस करे जा चुके हैं जिसमें एंटीबॉडी टेस्ट से पता चलता है कि कितने लोग एक्सपोज हुए थे, उनका टेस्ट नहीं हुआ लेकिन एसिम्प्टोमेटिक रह गए, बट उसमें एंटीबॉडीज बनी थी. तो उसके हिसाब से जो कि इन्फेक्शन फैटलिटी रेट आया है वो 0.08% है, और जबकि इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन फैटलिटी रेट 0.1% है. इसका इन्फेक्शन फैटलिटी रेट कोविड का इन्फ्लुएंजा से कहीं कम है. तो आप बताइए जो WHO के द्वारा बार बार डराया जाता है, क्या वो डर सही है? क्या वैक्सीन इतनी ज़रूरी है? क्या लॉकडाउन इतना ज़रूरी है? नो. और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ किस तरीके से मिसमैनेजमेंट से पेशेंट्स मरते हैं और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. दीज आर जस्ट द एक्सपेरिमेंटेशंस, या तो ऑफ लेबल मेडिसिंस यूज़ हो रही हैं ट्रीटमेंट के लिए या फिर अनअप्रूव्ड मेडिसिंस, मतलब कि जो अभी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स भी पास नहीं की गई हैं ऐसी मेडिसिंस का यूज़ हो रहा है. तो क्या ये बीमारी इतनी ज़्यादा लीदल है कि आप इसमें एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स जो हैं दें? इवन रेमडेसिविर वगैरह तो कहीं कहीं हॉस्पिटल्स में माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में भी दिया जा रहा है. अब खैर इस मुद्दे पे मैं आऊँगी तो मेन मुद्दा भटक जाएगा. फिलहाल मैं आपको आज का लाइव, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि आज का किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे केस फैटलिटी रेट, जो कि आज 1.92% है. I'm just going to show it to you. So today's total number of death आज के दिन में है 51,925. So 51,925 divided by total number of confirmed cases. It is 27,1,064. You just need to have a little bit patience.
सो इट कम्स अराउंड 1.92%. 51,925 डिवाइडेड बाय 27,01,064 मल्टीप्लाई बाय 100. सो दिस इज़ द वे आई कैलकुलेट द केस फैटलिटी रेट इन हैशटैग इज कोरोना फोबिया. एंड सिमिलरली वी विल बी कैलकुलेटिंग द केस रिकवरी रेट विच विल कम अराउंड 73% टूडे. आई एम जस्ट गोइंग टू शो इट टू यू ऑल्सो. सो टूडे टोटल रिकवर्ड पेशेंट्स आर टोटल रिकवर्ड केसेज आर 19,76,248. So this comes around 73.16%. You can see here 73.16%. So and this is the case recovery rate, right? And अगर अब हमें इन्फेक्शन फैटलिटी रेट निकालनी हो तो वो कैसे निकाली जाएगी इस वक्त, क्योंकि सबका टेस्ट हुआ नहीं है, बट हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं. एक्स्ट्रापोलेट करके व्हाट वी कैन डू इज कि हम रेट ऑफ इंसिडेंस ऑफ कंफर्म केसेस निकाल सकते हैं. मतलब अभी जितने टेस्ट हुए हैं उस टेस्ट में से हम जो है डिवाइड कर सकते हैं, हम कन्फर्म केसेस कितने आ रहे हैं प्रत्येक टेस्ट में, हम ये निकाल सकते हैं 100 टेस्ट में कितने आ रहे हैं, फिर उसको टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं कि आपका इन्फेक्शन फैटलिटी रेट कितना है. और वो मैंने लेटेस्ट कैलकुलेट किया था, वो 0.03% आ रहा था फिलहाल इंडिया में. सो आई डोंट थिंक सो देयर इज सो मच नीड टू वरी अबाउट फॉर द वैक्सीन्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी बीमारी जिसकी इन्फेक्शन फैटलिटी रेट इन्फ्लुएंजा से भी कम है उसमें हमको वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है, जो कि वैक्सीन इफेक्टिव हो ही नहीं सकती क्योंकि वायरस जो है बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है. और जैसा कि बिल गेट्स का खुद कहना है कि ये वैक्सीन जो है हमें हर 3 महीने में लगवानी पड़ेगी, जिस तरीके से फ्लू शॉट्स लिया जाता है. तो ऐसी बीमारी जिसका कि इलाज आयुर्वेद में पूर्णतः संभव है, आपको मैं गारंटी देती हूँ हाइपोक्सिया के कंडीशंस भी इसकी वजह से नहीं आएंगी अगर आपने इनिशियली आयुर्वेदा लिया है शुरुआत से, बिकॉज देयर आर मैनी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स डन ऑफ वेरियस हर्ब्स इंडिकेटेड इन भावप्रकाश निघंटू विच इज़ द इंडियन फार्माकोपिया विच एक्चुअली एमेलोरेट्स द हाइपोक्सिया. So this is what all I want to convey here, because many of the people were asking me how do you calculate these case fatality rate and case recovery rate. It is very simple. So जब भी आप news देखें तो ये ध्यान रखें कि ये न्यूज़ आपको सही तरीके से नहीं बताता है कैसे आंकड़े पढ़ने हैं, वो सिर्फ एक भय का माहौल क्रिएट करता है. So thank you so much.